हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूज़ ऑफ डस्टबिन को देखेंगे। मतलब आज हम डस्टबिन के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि डस्टबिन को कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा चलिए, मैं आपको ना सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि एक्चुअली डस्टबिन होता क्या है। तो द डस्टबिन इज़ अ यूजफुल थिंग फॉर एवरी होम, यानी कि हर घर में, यानी कि आपका घर होगा, आपके घर में भी एक डस्टबिन होता है ना, जिसमें हम सारा गार्बेज डालते हैं। यूज़ डस्टबिन फॉर गार्बेज और वेस्ट। हम क्यों यूज़ करते हैं डस्टबिन का? गार्बेज और वेस्ट के लिए। गार्बेज इज़ वॉट, जैसे कि हम कोई भी कचरा और कैसे डालना चाहिए प्रॉपर डस्टबिन में, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट यूज़ ऑफ डस्टबिन। अच्छा देखिए, ये डस्टबिन कैसा है, पूरा भर चुका है, पूरा फुल हो गया, इसके बाहर कचरा निकल रहा है। तो अब हम डस्टबिन को देखेंगे कि डस्टबिन में कैसे कचरा डालते हैं। ये देखिए, ये लड़का डाल रहा है ना, कोई भी बनाना का छिलका हो आपका, अब उसको अच्छे से डालेंगे। ये देखिए, पेपर को भी सड़क पे डाला होगा आपके स्कूल में, उसमें हम डालेंगे। ये देखिए, सारे बच्चों ने कितने अच्छे से सफाई की है, सारे बच्चों ने गंदगी को डाला है। देखिए, इस बच्चे ने भी बनाने के छिलके को कहाँ डाला है, डस्टबिन में। देखिए, ये बच्चा भी कितने अच्छे से काम कर रहा है ना, इसने भी डाला। अब देखिए, आपके आसपास ये वर्कर्स होते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं, अच्छे से काम करते हैं। देखिए, ये बच्चा भी, उसने भी सफाई की, डस्टबिन का यूज़ किया, इसने भी कितने अच्छे से यूज़ किया है ना। आपको भी ऐसे ही वर्क करना है, ठीक है, डस्टबिन का यूज़। देखिए, ये सारे बच्चों ने कितने अच्छे से सफाई की है ना। अब देखिए, सब ने अच्छे से सफाई की है ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमने पूरा साफ़ कर दिया। अब देखिए, डस्टबिन को भी अच्छा लगा आपने सफाई की, तो उसने भी आपको कितने अच्छे बन दिए है ना। अब आप भी हमेशा डस्टबिन का अच्छे से यूज़ करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से डालेंगे, उसमें सारा कचरा, बनाना के छिलके या कोई भी इधर उधर नहीं फैलाएंगे। आप हमेशा डस्टबिन का यूज़ करेंगे।